हेलो गाइस, दिस इज स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगिनर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे न्यू एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो गाइस, अगर जो आपने यहाँ पे वार्म होल या वार्म होल को मिस किया, तो वार्म होल के बारे में नहीं मालूम, तो यहाँ पे गाइस वार्म होल एक यहाँ पे ब्रिज था जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करता था सोलाना नेटवर्क से आप EVM चेन में फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी एक चेन से दूसरे चेन में फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पे इसका पहले से डिसाइड था कि यहाँ पे 17% जो टोकन है वो यहाँ पे कम्युनिटी के लिए एयर ड्रॉप जाएगा और यहाँ पे अनलॉक होगा। इसका स्नैपशॉट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, पर अभी इस यहाँ पे कितना एलोकेशन मिला है ये यहाँ पे अनाउंस नहीं हुआ है। तो गाइज, इसी तरह से एक यहाँ पे एक सिमिलर नेटवर्क है जो कि है गाइज यहाँ पे हाइपर लेन ब्रिज, ठीक है। तो हाइपर लेन ब्रिज भी यहाँ पे बिल्कुल वार्म होल की तरह है। इधर आप यहाँ पे किसी एक कॉस्मोस यानी सेल्टिसिया या कॉस्मोस नेटवर्क या ऑस्मो नेटवर्क से किसी भी EVM नेटवर्क में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। EVM मतलब मंता हो गया गाइज, आपका ऑप्टिमिज्म हो गया, आर्बिट्रम हो गया, तो यहाँ पे आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके हम फंडिंग की बात करें तो इसका गाइज यहाँ पे $18 मिलियन का यहाँ पे फंड रेज हुआ है। तो इसका यहाँ पे अगर जो कोई टोकन हुआ तो इसमें भी हमें यहाँ पे एयर ड्रॉप मिल सकता है। तो इसका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइप है। अगर जो इसका यहाँ पे सीड फंडिंग में इन्वेस्टर देखा तो यहाँ पे सर्कल, कार्किन, तो काफ़ी यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे VCs इन्वॉल्व हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे केपलर वॉलेट होना चाहिए। तो अगर जो आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो या क्रिप्टो इन्वेस्टर, तो इसके बारे में मालूम होगा कि यहाँ पे केपलर वॉलेट क्या है, ठीक है। तो केपलर वॉलेट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे वेब स्टोर से केपलर वॉलेट इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको सेटअप करने के बाद आपके पास गाइस यहाँ पे टोकन होना चाहिए, टिया टोकन होना चाहिए, ठीक है। टिया सेल्टिसिया आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज बाइनेंस से बाई करके यहाँ पे इधर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अभी सेल्टिसिया का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है तो आप लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपने मेरी वीडियोस देखे होंगी, मैंने सेल्टिसिया में स्टेक करने के लिए बताया था जो लोन लिंजा टेक्निक है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप उस देर के लिए बाई करके आप डिपॉजिट कर देना, जब आप यहाँ पे अच्छे से ब्रिज कर लेना, फिर उसके बाद उसे आप सेल कर देना, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा अमाउंट ज़रूर होल्ड करना, पूरा अमाउंट मत निकालना, वरना स्टार्क नेट की तरह गैस हो सकता है कि आपको इसमें भी यहाँ पे एयर ड्रॉप नहीं मिले। तो इधर हम देख सकते हैं टिया में इतना बैलेंस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हाइपर लेन नेक्सस ब्रिज इस पे आना है। इस पे आने के बाद इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इधर आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, तो इधर यहाँ पे हम वॉलेट करेंगे, मेरा कॉस्मोस वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। तो इधर हम केपलर वॉलेट चूज़ करेंगे, मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। फिर इधर यहाँ पे फॉर्म में सेल्टिसिया आपको यहाँ पे चूज़ करना है, सेल्टिसिया, और इधर आपको टोकन डालना है, कितना टोकन आपको यहाँ पे ब्रिज करना है। तो इधर यहाँ पे मैं 5.9 टोकन को डालूँगा, और इधर यहाँ पे किस चेन में ब्रिज करना है वो आपको डालना है। तो इधर आपको चूज़ करना है न्यूट्रॉन, इसमें आपको ब्रिज करना है। तो इधर सबसे पहले हम न्यूट्रॉन में इधर करेंगे, तो इधर सेल्फ करना, तो आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन का वॉलेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो जाएगा। फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके इधर आपको यहाँ पे ब्रिज करना है। तो केपलर वॉलेट में एक पॉपअप आएगा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे $0.04 गैस फीस लगेगा, इसको आपको अप्रूव कर देना है। तो गाइज, हमारा जो टोकन है वो ब्रिज हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे माई बैलेंस में 0.13 दिखा रहा है, और यहाँ पे केपलर वॉलेट में हमने चेक किया तो इधर भी यहाँ पे देख सकते हैं मेरे में यहाँ पे जो सेल्टिसिया है वो यहाँ पे न्यूट्रॉन यानी IBC न्यूट्रॉन नेटवर्क पे आ चुका है, देख सकते हैं ऑन न्यूट्रॉन लिखा है। तो इसको हमें ब्रिज करेंगे, या हम इसको ब्रिज करेंगे गाइस EVM नेटवर्क में, ठीक है। तो इधर हम यहाँ पे फ्रॉम में यहाँ पे सेल्टिसिया, इधर हम फ्रॉम में सेलेक्ट करेंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू इधर हम सेलेक्ट करेंगे मंता या आर्बिट्रम। तो आपके पास यहाँ पे जिसमें भी फंड ब्रिज करना चाहते हैं, तो इधर मैं आर्बिट्रम सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आर्बिट्रम सेलेक्ट करने के बाद इधर हमको यहाँ पे टोकन डालना होगा। तो टोकन डालने से पहले हमें अपना यहाँ पे मेटामास्क यानी इथेरियम वॉलेट है उसको भी यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो इधर यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, इधर इथेरियम चूज़ करना है, इधर यहाँ पे मेटामास्क चूज़ करना है, इधर नेक्स्ट के बटन पे ऊपर क्लिक करना है, कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम मैक्स पे क्लिक करके इसको हम यहाँ पे मूव करेंगे। तो इधर यहाँ पे हम डालेंगे सेल्फ, ठीक है, और फिर इधर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने से पहले हमें गाइस यहाँ पे न्यूट्रॉन
नेटवर्क पे इधर गैस फीस होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन टोकन होना चाहिए, उसके लिए मुझे गैस फीस नहीं है। तो गैस फीस के लिए हमको थोड़ा सा $1-2 का यहाँ पे स्वैप करना पड़ेगा। तो अपने इधर यहाँ पे वॉलेट में जाना है, इधर स्वैप वाले बटन पे क्लिक करना है। स्वैप वाले बटन पे क्लिक करके इधर हम यहाँ पे कोई भी टोकन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं गाइस यहाँ पे ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस सेलेक्ट करते हैं। और इधर हम 4 टोकन को इधर हम न्यूट्रॉन यानी NTRN में इसको हम स्वैप करेंगे गैस के लिए न्यूट्रॉन में। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, इधर अप्रूव करना है। तो इधर देख सकते हैं विदिन 1 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पे न्यूट्रॉन रिसीव हो चुका है। इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। कट करने के बाद इधर इधर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके इसको हम यहाँ पे ब्रिज करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें थोड़ा सा अमाउंट कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गैस फीस भी इधर पे करना है। तो इधर यहाँ पे 5.88 मैं टिया को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इधर यहाँ पे गैस फीस देख सकते हैं 0.27 टिया लग रहा है। तो अराउंड यहाँ पे इसका वैल्यू देखा तो अराउंड यहाँ पे गाइज़ 3 से 4 डॉलर का यहाँ पे आपको गैस फीस लगेगा, ठीक है। अभी के टिया का प्रयोग प्राइस है वो चल रहा है $18। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो अराउंड यहाँ पे $5 का यहाँ पे आपको गैस फीस पे करना पड़ेगा। तो हो सकता है इसका यहाँ पे गैस फीस थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है। इस पर क्लिक करके इधर आपको यहाँ पे अप्रूवल देना होगा। तो अप्रूव के बटन पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं गाइज मेरा जो फंड है वो यहाँ पे रिसीव हो चुका है विद इन 1 मिनट के अंदर। तो इधर हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद इधर देख सकते हैं मेरे आर्बिट्रम में इधर यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं 5.8 यहाँ पे सेल्टीसिया टोकन को यहाँ पे मुझे रिसीव हो चुका है। तो इसको आप वापस यहाँ पे न्यूट्रॉन में ही भेज सकते हैं, किसी अदर चेन यानी सेल्टीसिया या फिर कॉस्मोस में नहीं भेज सकते। तो इसको हम वापस से इधर हम इसको न्यूट्रॉन में सेंड करेंगे। तो इधर यहाँ पे सेल्फ के बटन पे क्लिक करके इधर हमें कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैस फीस आर्बिट्रम में पे करना होगा। तो देख सकते हैं कि विद इन अ फ्यू सेकेंड आपका जो टोकन है वो यहाँ पे न्यूट्रॉन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप पर वीक इधर ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं अराउंड यहाँ पे एटलीस्ट गाइज यहाँ पे 1000 का वॉल्यूम जनरेट कर लेना। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे हर वीक में ट्रांसफ़र करना और मंथली यहाँ पे करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे स्टार्ट नेट एयर ड्रॉप नहीं मिला क्योंकि उन्होंने मंथली नहीं किया और यहाँ पे अमाउंट होल्ड करके नहीं रखा। तो हम ये यहाँ पे ब्रिज है तो अमाउंट होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, कोई यहाँ पे नेटवर्क का टोकन नहीं है। ये ब्रिज एक यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो कि ब्रिजिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपको टोकन होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप गाइस यहाँ पे वीकली और यहाँ पे मंथली ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करते रहना। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।